हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग गैसेस के बारे में बातचीत करेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस की जो तरह तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस कारण से होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो पहली बात ये बताऊं कि मैं फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि आइडियल गैस ही होती है, रियल गैस नहीं होती है। मतलब केमिस्ट्री में आप ये चैप्टर जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में आइडियल और रियल गैस दोनों होती है। फिजिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। तो अपना जो डिस्कशन होगा, अपनी जो बातचीत होगी, मैं बोलूं ना बोलूं लेकिन गैस को आइडियल ही मान करके हम चलेंगे, मतलब आइडियल गैस के बारे में ही बात करेंगे। ये थ्योरी जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, हम इसको थ्योरी ऑफ गैसेज भी बोल सकते थे लेकिन इसमें काइनेटिक वर्ड जोड़ा गया है, इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो ये पहली बात तो सवाल ये पैदा होता है दिमाग में होना चाहिए कि ये थ्योरी ऑफ गैसेज के बजाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्यों बोला गया है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं बता रहा हूं। गैसेज की ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती है, गैस का जो प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है, या और भी जो प्रॉपर्टीज होती है, वीआरएमएस वगैरह भी आगे पढ़ेंगे, तो वो जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण होती है। तो चूंकि गैस की प्रॉपर्टीज उसके काइनेटिक यानी मोशन से जुड़ी होती है, इसलिए इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, ये मैं थोड़ा समझाता हूं कि क्यों वर्ड काइनेटिक आया है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई ईंट मैंने ले ली, ईंट का मास एम है, बेस एरिया ए है, तो यहां पर अगर कोई प्रेशर पूछे तो प्रेशर होगा एम जी बाई ए। अगर मैं एक ईंट और एम मास की रख दूं और यहां पर प्रेशर देखो तो 2mg/a हो जाएगा, एक ईंट और रख दूं तो जो प्रेशर आएगा वो 3mg/a आ जाएगा। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो उसके भार के कारण होता है, उसके वेट के कारण होता है या ग्रेविटी के कारण होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्रेशर mg/a आएगा, और नीचे चले गए 2mg/a, यहां 3mg/a। तो सॉलिड्स का जो प्रेशर होता है वो उसके अपने भार के कारण होता है सॉलिड के अंदर, या ग्रेविटी के कारण होता है ये कह सकते हैं हम। जो लिक्विड होते हैं, अगर कोई लिक्विड मटेरियल लिया जाए तो लिक्विड के अंदर जैसे प्रेशर, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो प्रेशर पी होता है रो जी एच, रो जी एच के बराबर होता है। तो लिक्विड के अंदर भी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने जाता है। अगर आप कभी भी किसी स्विमिंग पूल में या नदी तालाब किसी के अंदर आप नहाए हैं तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे सर पे बहुत ज्यादा फोर्स फील होता है, ऐसा नोटिस किया होगा आपने। अंदर गहराई में जाओगे तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी लिक्विड के अंदर भी जो प्रेशर होता है वो उसके भार के कारण होता है। लिक्विड का जो प्रेशर भी है उसके वेट के कारण या ग्रेविटी के कारण है, सॉलिड रखा हुआ है उसका प्रेशर भी जो आता है ग्रेविटी के कारण होता है। तो लोगों ने ये एस्टीमेट लगाया कि गैस जो है उसका प्रेशर भी उसके भार के कारण ही होगा। भाई जब सॉलिड में प्रेशर भार के कारण है, लिक्विड में भार के कारण है, तो गैस में भी प्रेशर वेट के कारण होगा। और शुरू में ये मान्यता थी कि गैस का जो प्रेशर होता है उसके वजन के कारण होता है, लेकिन जब बाद में प्रेशर मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स बने तो देखा यह गया कि यहां पर जो प्रेशर है, यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे हर जगह इक्वल प्रेशर आया। अगर वेट के कारण होता तो ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा आता, नीचे प्रेशर कम आता, लेकिन इस कमरे में हर जगह प्रेशर सेम आता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसका जो प्रेशर है वो इसके भार के कारण नहीं है। अब अगर वेट के कारण नहीं है तो किस कारण है, अगर वेट वजह नहीं है तो कोई ना कोई वजह होगी। तो जो दूसरी वजह है वो बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव करते रहते हैं ना, इसी रैंडम मोशन के कारण ही गैसेस के अंदर प्रेशर आता है। तो गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके भार के कारण ना होकर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक के कारण होता है। काइनेटिक वर्ड यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बार बार यही बोल रहा हूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक पे जोर इसीलिए दिया गया क्योंकि गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स के प्रेशर, टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीजें गैस की जो होती है वो मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन के कारण होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें लिख देता हूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस आर ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेज आर ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है उसी वजह से गैस की ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती है वो इसी वजह से होती है।
गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती है, इसी वजह से इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जाना गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है केटीजी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ये थ्योरी किसी एक आदमी की दी हुई नहीं है। अलग अलग लोगों ने गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, कुछ लोगों ने जो बातें बताई वो सही निकली, कुछ लोगों ने बताया जो गलत निकली, तो जो सही सही बातें थी उन सारी बातों को इकट्ठा कंपाइल कर लिया गया और कंपाइल करके उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से दे दिया गया। मैक्सवेल का नाम है, कई लोगों ने इसमें काम किया है, थ्योरी जो गैस की बनी है उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल का भी नाम आता है इसके अंदर, ये डाल्टन का भी आता है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी में कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो गैस की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताती है, और हम लोग पहले सबसे पहले क्योंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर आइडियल गैस ही पढ़ने वाले हैं तो हम लोग सबसे पहले आइडियल गैस के बारे में बात करें, आइडियल गैस के बारे में चर्चा करेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइडियल गैस कोई बताएगा कि आइडियल गैस क्या होती है, किसी के पास अगर कोई आइडियल गैस पढ़ी तो सबने होगी, सबको पता होगा। मान लो कि अगर हमें पीवी बराबर एनआरटी नहीं पता है, मतलब अगर इक्वेशन से ना जाना चाहें, उसकी प्रॉपर्टीज से जाना चाहें, तो आइडियल गैस किस, हाँ वो कंडीशन क्या है ना, वो कंडीशन क्या है वही जानना चाह रहा हूँ, मैं उसी पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि भाई आइडियल गैस जो है वो किस तरह की गैस है, रियल गैस से उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या उसमें तो रियल में भी स्मॉल होते हैं, रियल में इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है, वो आपने जो भी आप जानते हैं केमिस्ट्री ये सब बातें सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है। फिजिक्स के हिसाब से हम लोग आइडियल गैस उन गैस को बोलते हैं, एक ऐसी गैस या ऐसे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन जो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ना एक दूसरे पे अट्रैक्शन लगाते हैं ना रिपल्शन लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होगा तब तो इंटरैक्शन होगा ही, जब कोलिजन भाई ऐसे दूर दूर है तो अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा, जब कोलिजन होगा तब आके इंटरैक्ट करेंगे, तब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा ये मॉलिक्यूल कभी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। आइडियल गैस हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो जाए ना, अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो उसको भी आइडियल गैस मान सकते हैं, मतलब किसी भी कोई भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते उसको हम आइडियल गैस मानते हैं। फिलहाल हम बोलेंगे इन आइडियल गैस, गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते कोलिजन के अलावा, यानी ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं ना रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसीलिए क्योंकि ये अट्रैक्शन या रिपल्शन एक दूसरे पर नहीं अप्लाई करते हैं, इसीलिए जो आइडियल गैस होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी आप ग्रेविटी के इंटरेक्शन के कारण आएगा, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा उसी की वजह से आएगा, अब इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होता ही नहीं है, तो आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की जो, वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये बात मैं नोट डाल के लिख भी दे रहा हूं, पीई ऑफ इंटरेक्शन, P of interaction of ideal gas is zero. Ideal gas की जो potential energy interaction की है वो zero के बराबर होती है, ठीक है, ये ideal gas हो गई। अब एक बात ये भी आती है कि real gases जो होती है वो ideal की तरह कभी कभी behave करती है, तो इसमें भी सवाल आते हैं, IT में भी सवाल आया हुआ है कि real gases ideal की तरह कब behave करती है, तो रियल गैसेस आइडियल की तरह, हाँ नहीं वो तो ग्राफ वाफ तो वो सब हो गया ना जब आपने ग्राफ पढ़ लिया, फिजिकली उसको हम कैसे समझेंगे कि रियल गैस आइडियल की तरह कैसे बिहेव करेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, ऐसा क्यों, वैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों रियल आइडियल बन जाएगी, नहीं केमिस्ट्री वाले सर बताए नहीं बताए, पर आप एक इंसान है ना बुद्धि के साथ, तो आपको सोचना भी चाहिए ना,
तो ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना पर्पज होता है, फिजिक्स में पर्पज अलग रहता है, सिखाने का केमिस्ट्री में अलग रहता है। तो हम लोग तो बेसिक फंडामेंटल बात करते हैं ना, फिजिक्स के अंदर पर्पज अलग होता है, केमिस्ट्री में ये होता है कि भाई वो रियल गैस पढ़ाना है उन्हें तो रियल के हिसाब से सिखाएंगे। खैर वो सब अलग बात है। आप ये बताइए कि जैसे आपने ये बताया कि टेम्परेचर हाई कर दें तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी, तो उसकी वजह क्या हो सकती है अंदाजा? हाँ बहुत तेज मूव करने लगेंगे तो उससे वो आइडियल की तरह क्यों बिहेव करने लगेंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा समझाओ। देखो किसी चीज को समझने के दो तरीके हैं, एक माइक्रोस्कोपिक तरीका होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक पे जो उसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसकी मदद से समझते हैं। तो मैं फिलहाल अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रियल गैसेज है वो आइडियल की तरह क्यों बिहेव करती है। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत तेज वेलोसिटी से चलेगा तो जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका असर कम हो जाएगा। इंटरेक्शन तो होगा लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा। जैसे इसको इस बात को आप समझ सकते हैं कि भाई रियल गैसेस और आइडियल में फर्क यही कि रियल में मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, आइडियल में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये एक ब्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, ये ब्लॉक को मैंने ऐसे हल्के से ऐसे फेंक दिया, थोड़ा कम वेलोसिटी से फेंका, बिल्कुल ऐसे फेंका था, ये जाके यहां गिर गया। अब अगर इसी को मैं ऐसे फेंकता, ऐसे बहुत तेज वेलोसिटी देके फेंकता, बहुत दूर जाके गिरता, तो धरती तो एमजी अभी इस समय भी लगा रही है, और जब बहुत दूर जाके गिरता था तब भी धरती एमजी लगा रही है, लेकिन एमजी का असर जो है वो कम आया जब हमने बहुत हाई वेलोसिटी दे दी। तो हाई वेलोसिटी देने से क्या होगा कि जो इंटरेक्शन फोर्सेस लग रहे हैं वो बॉडी के मोशन को उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बहुत तेज फेंकूंगा तो भी एमजी लग रहा होगा लेकिन उसके मोशन पे उतना असर नहीं डाल पाएगा वो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसके मोशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। पहले सीधे जाएगा फिर दूर जाके गिर जाएगा, तो एमजी तो उसमें भी लग रहा है लेकिन वो एमजी का चूंकि वेलोसिटी बहुत अधिक है तो उस वेलोसिटी को चेंज करने में उसको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो कुल मिला के हाई टेम्परेचर जब होता है तो रियल गैसेज आइडियल की तरफ बिहेव करती है, ठीक है। तो रियल गैसेज, लिखिए इसको, रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज, रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज एट हाई टेम्परेचर। रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज एट हाई टेम्परेचर। और कोई कंडीशन है, और कोई कंडीशन है जिसमें रियल गैसेज आइडियल की तरह बिहेव करती हैं? लो प्रेशर पे भी बिहेव करती हैं। अगर एक्सट्रीमली लो प्रेशर कर दिए जाए तो लो प्रेशर करने का मतलब क्या हुआ? लो प्रेशर का मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कम कर रहे हैं। लो प्रेशर का मतलब ये है ना कि इंटरेक्शन कम हो गया, दूर दूर मॉलिक्यूल हो गए, या अगर पास पास भी है तो इंटरेक्शन नहीं, तभी तो प्रेशर कम है, क्योंकि प्रेशर आता ही इंटरेक्शन के कारण है, जो टक्कर मारते हैं उसी के कारण प्रेशर आता है। तो लो प्रेशर पे भी रियल गैसेज आइडियल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये बात भी मैं लिख दे रहा हूं, रियल गैसेज बिहेव लाइक, रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज एट लो प्रेशर। अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, जो आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी रो इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पीवी बराबर एनआरटी से आता है। तो रो इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, अब ये रो इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी से आप देखो तो लो डेंसिटी पे भी ये आइडियल की तरह बिहेव करेंगे, एट लो डेंसिटीज प्रेशर लो हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये एक तो ये बहुत ज्यादा कर दिया, ये बहुत कम कर दिया, तो डेंसिटी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो लो डेंसिटीज पर भी रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती है, तो ये बात भी नोट कर लो, एट लो डेंसिटीज रियल गैसेस लाइक आइडियल गैसेस। एट लो डेंसिटीज रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैसेज, जो डेंसिटी कम होती है तो उस कंडीशन में भी जो रियल गैसेज होती है वो आइडियल की तरह बिहेव करती है।
तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे, मतलब हम लोग का जो बेसिक पर्पस होगा आइडियल गैस के बारे में बात करना होगा। और अब मैं आपको केटीजी के एजम्पशंस बता रहा हूं, एजम्पशंस ऑफ केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस हैं, कई सारे एजम्पशंस हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले तो मैं बता दूं कि एजम्पशन वर्ड क्यों बोला जा रहा है। एजम्पशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गैस जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। अगर गैस दिखाई पड़ती होती हम उसको फील तो कर लेते हैं, खैर हवा वगैरह चलती है, लेकिन अगर वो दिख रही होती तो फिर एजम्पशंस की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो हम जो बोलते कंक्रीट बोलते हैं, जैसे लॉ के फॉर्म में बात करते हैं। एजम्पशंस इसीलिए बने क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे मैं कई बार आप लोगों को बताता हूं कि जो तरह तरह के रिलीजन है ये एजम्पशंस है। जैसे भगवान को किसी ने देखा नहीं है तो किसी ने बोला कि भगवान तलवार लेके चलते हैं, किसी ने बोला कि घोड़े पे बैठ के चलते हैं, कोई बोलता है गधा लेके चलते हैं। सबके अपने एजम्पशंस हैं अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से। और लोग जब एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं भगवान के बारे में तो मारपीट भी करने लगते हैं, दंगे हो जाते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना दंगे उंगे होते हैं। तो वो यही था कि भाई कोई बहुत समझदार आदमी था, उसने 500,000 साल पहले एक भगवान का एजम्पशन एक थ्योरी दी। कोई यहां पे था इंडिया में था, कोई पाकिस्तान में था उसने एक थ्योरी दी, कोई यूरोप में था उसने थ्योरी दी। सब अलग अलग लोगों ने थ्योरी दी, वो थ्योरी मानने वाले बढ़ते चले गए, फिर जब लोग आपस में मिले लड़ने लगे। ठीक है, अब ये अगर झगड़ा मान लीजिए कि भगवान प्रकट हो जाए, मान लो किसी दिन दुर्गा कुंड चौराहे पे आ जाए और बोले कि भाई देखो ये मैं हूं, देख लो मुझे, मैं ऐसे हूं, मैं तलवार या तीर कमान जो भी लेके चलते हैं वो सब पूरा प्रकट बता दे भगवान, सारी बात अगर बता दे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर ये जितना रिलीजन रिलीजन का लड़ाई झगड़ा सारा खत्म हो जाएगा। वो झगड़ा इसीलिए चल रहा है क्योंकि भगवान प्रकट ही नहीं होते, सबको अपने अपने एजम्पशन को मानने की आजादी है। तो उसी तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर है कि चूंकि गैस दिखाई नहीं पड़ती है तो गैस के बारे में तरह तरह के लोग एजम्पशन देते हैं। कुछ एजम्पशन जो सही हो जाते हैं वो थ्योरी में का पार्ट हो जाते हैं, जो गलत हो जाते हैं लोग उसको मान लेते हैं कि भाई ठीक है ये एजम्पशन गलत हो गया। तो अब केटीजी के जो एजम्पशन है उसमें एक एक करके मैं सारे एजम्पशन बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आपके बुक में उसी ऑर्डर में लिखे हों या उतने ही पॉइंट हों, लेकिन वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, पहला जो एजम्पशन है मैं लिखने जा रहा हूं, एक गैस consists of large number of small smooth and gas consists of large number of small smooth elastic identical spherical particles a gas consists of large number of a small smooth elastic identical spherical particles which move randomly in all particles which move randomly in all possible directions. These particles are called molecules. ये नोट कर ले, गैस जो होती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ बहुत भारी मात्रा में पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी जो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मूथ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में जितनी भी संभव दिशाएं हैं उन सारे डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करते रहते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये केटीजी का पहला एजम्पशन है, और ये पहला एजम्पशन गैस को दिखाने की कोशिश करता है, मतलब गैस जिसने नहीं देखी है उसको दिखाने की कोशिश करता है। और ये जो पहला एजम्पशन है मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे जितनी भी बातें आती है गैस की किसी न किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी होती है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ, तो अगर मैं लार्ज नंबर बोल रहा हूं कि गैस के मॉलिक्यूल जो होती है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, तो किसी आधार पे बोल रहा हूँ, किस आधार पे आप बोल सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत अधिक है? नहीं, छोटे छोटे हैं तो इसका मतलब ज्यादा है क्या? ये छोटा छोटा होने की ज्यादा होने की गारंटी तो नहीं है।
प्रैक्टिकली कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप बता सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं? जैसे मान लो कि मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर यहाँ पे कोई मैंने परफ्यूम स्प्रे कर दिया, ठीक है, परफ्यूम स्प्रे कर दिया तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो पूरे पूरे कमरे में वो स्मेल फैल जाएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की संख्या वो पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जरा से भी वॉल्यूम में छोड़ोगे तो पूरे वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाते होंगे। तो ये लार्ज नंबर होते हैं, एक तो बात ये हो गई, मतलब ये प्रैक्टिकल बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप लार्ज नंबर को समझ सकते हो, थोड़ा सा मोल बोल का आपको अंदाजा है उससे समझ सकते हो। मान लो कि मैं एक बर्तन लेता हूं, बहुत छोटा बर्तन लेता हूं, बहुत छोटा सा बर्तन ले लिया मैंने, छोटे से छोटा बर्तन मैं किस साइज का ले सकता हूं? छोटे से छोटा बर्तन, हाँ नहीं, बर्तन बर्तन मतलब जो बंद हो जिसमें गैस आई जा सके, साइज उसका मतलब मान लो क्यूब ले रहा हूं, ठीक है, तो छोटे से छोटा उसका एक साइड कितना क्यूब का ले सकते हो आप? नहीं, प्रैक्टिकली कितना ले सकते हो भाई आप? इतना छोटा ना लो कि बर्तन दिखाई ना पड़े, लेके कहोगे देखो ये बर्तन है ही नहीं इसमें, ठीक है, बर्तन मसल दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं, मतलब एक रियल एक रियलिस्टिक डेटा, एक सेंटीमीटर में कह रहा हूँ, एक मिलीमीटर ले सकते हो, एक मिलीमीटर भी अगर ध्यान से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। तो एक मान लो एक मिलीमीटर क्यूब का मैंने एक बर्तन लिया, तो अगर एक मिलीमीटर क्यूब लिया तो ये कितना हो जाएगा, 10^-9 मीटर क्यूब, 10^-9 मीटर क्यूब हो गया। अब अगर लीटर में लूंगा मैं इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लीटर में आ जाएगा, हाँ 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लीटर में आ गया, लीटर में आ गया। अब मैं इसको 22.4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो मोल आ गए, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6.023 × 10^23 से, जरा ध्यान से देखना। तो जो आप छोटे से छोटा बर्तन एज्यूम कर सकते थे, उस बर्तन में भी आप देखें तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत अधिक आ रहे हैं, 10^11 के बराबर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। 10^11 को आप ऐसे समझ सकते हो कि 10^11 रुपए मिल जाए आपको अगर, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा नंबर है, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर है। जैसे मैं कई बार, पता नहीं आप लोगों से डिस्कशन हुआ है कि नहीं, कि जैसे मान लीजिए कि रात में आप आसमान में सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं, मतलब छत पे सो रहे हैं, मान लीजिए किसी दिन मच्छर अच्छा नहीं काट रहे हैं, छत पे सो रहे हैं और एकदम खुला आसमान है, और रात में अगर आप तारे गिनते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई काम नहीं है, मोबाइल नहीं है आपके पास, तो आप तारे गिन रहे हैं, तो नीट एंड क्लीन स्काई में लगभग कितने तारे आप गिन सकते होंगे, अंदाजे से संख्या क्या होगी? लगभग मतलब कितने, पूरी रात आप तारे गिने तो लगभग कितने तारे होंगे आसमान में? मतलब ये मेरा सवाल यही है कि आसमान में लगभग कितने तारे होंगे, पूरे क्लियर स्काई है, आप छत पे लेटे हुए हैं और तारे गिन रहे हैं, तो कितने लगभग होंगे तारे पूरे आसमान में, कितने होंगे पूरा कंप्लीट? नहीं नहीं, जो आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, 800-900 तो ये, हाँ हाँ, मतलब जो ऐसा बताते हैं जो किताबों में डेटा रहता है, 3000 से 5000 तारे, अगर आप बहुत क्लियर आसमान है, सारे दिख रहे हैं जो दिख सकते हैं, तो 3000 से 5000 के आसपास तारे होते हैं। लेकिन वो 3000 से 5000 बहुत बड़ा नंबर लगता है हमें, पूरी रात अगर आप गिनो तब जाके आएगा ना, तो 3000 से 5000 एक बहुत बड़ा नंबर, ये जो इंसान की आंखें हैं हमारे लिए 3 से 5000 एक बहुत बड़ा नंबर है। बाकी नंबर लिखने को तो भाई ठीक, 10^10 आप कुछ भी लिख दो, हाँ उस नंबर की फील अगर आपको करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आसमान में तारों की संख्या, मैंने 5000 बहुत बड़ा नंबर है। जैसे नेताजी की रैली होती है, तो नेताजी की रैली होती है तो बताते हैं नेताजी को भारी जन समर्थन मिल रहा है और नेताजी की रैली में 1,000,000 लोग आए, ऐसा पेपर में छपता है, तो ऐसा लिखते हैं पेपर में, लेकिन एक्चुअल में सही बात ये होती है ना कि जो इंसान का दिमाग है ना, 5-6 हजार 10 हजार के ऊपर अगर कोई भी संख्या होती है तो उसको इनफाइनाइट मान लेता है, तो उसमें 1,000,000 लिख दें, 5,00,000 लिख दें, 8,00,000 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काउंट नहीं कर पाएगा। मतलब इंसान, मतलब ऐसे एक एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था कहीं कि जो कौवा होता है वो 3 तक गिन पाता है, 3 तक, हाँ 3 तक वो गिन पाता है, उसके सामने से 3 लोग गुजारे गए, मतलब 3 लोग गुजारे गए और जब लौटे तो 3 तक काउंटिंग करी थी उसने, उसको 3 तक का याद था, बाकी का उसको याद नहीं था। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना जानवरों के साथ, तो इंसान की अपनी सोचने समझने की 2000, 3000, 4000, 5000 की क्षमता है, और जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल हो, छोटे से छोटा भी सैंपल लोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट 10^11 हमारे आपके लिए इनफाइनाइट है, ठीक है। वो मैंने आपको शतरंज वाली कहानी सुनाई है क्या, चेस वाली? नहीं सुनाई है, चलो आज सुनाता हूँ कहानी, मजेदार कहानी है ये। कहानी जो है वो चेस से जुड़ी हुई है।
ऐसा बताते हैं कि जो शतरंज का खेल है इसका आविष्कार इंडिया में हुआ था, हिंदुस्तान में इसका आविष्कार हुआ था। और ये जो खेल है इसमें 64 खाने होते हैं, सब लोगों ने खेला होगा मेरे ख्याल से, 64 खाने इसके अंदर होते हैं, आठ ऐसे होते हैं। तो अच्छा तुम नेशनल खेले हो चेस? सीबीएसई नेशनल, अच्छा स्कूल का, अच्छा अच्छा 4 साल पहले, बड़ी बात है, सही। तो इसकी कहानी जो थी वो ये थी कि जो जिसने इस खेल का आविष्कार किया था तो वो एक मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा नाम वाम भूल गया मुझे, तो वो राजा के पास इस खेल को लेके गया। वो ये चाहता था कि भाई राजा अगर हमारा खेल खेलेगा तो फिर साथ मंत्री खेलेंगे तो दरबारी, तो प्रजा खेलेगी, सब पूरा खेल पॉपुलर हो जाएगा। तो राजा के पास लेके गया तो राजा ने इस खेल को खेला और राजा बहुत खुश हो गया। इस खेल की एक खास बात होती है कि इसमें समय बहुत, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी आप बिता सकते हो, मतलब एक एक बाजी में। तो राजा के लोगों के पास समय बहुत होता रहा था, मतलब राजा कोई काम तो होता नहीं था, दिन भर बैठे रहते, सारा काम मंत्री करता था, ठीक है। तो राजा एकदम खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, उसको लगा कि यार बड़ा बढ़िया खेल है। और पूरा उसने उसे कहा कि भाई हम बहुत खुश हो गए और मांगो, तुमको जो मांगना है मांग लो, हम तुमको हर मतलब सब कुछ देंगे। तो वो जो मैथमेटिशियन था उसने बोला कि महाराज मैं आपसे कुछ इनाम के लालच में नहीं आया था, मैं बस यही चाहता था कि मेरा खेल पॉपुलर हो, लोग मेरे खेल को खेलें, आप मेरी विद्या की सराहना करें, बस इसीलिए आया था, मैं आपसे इनाम लेने नहीं आया था। तो आपने खेल लिया, यही मेरा बहुत बड़ा इनाम है। तो राजा जो है वो इंसिस्ट करने लगा कि नहीं इनाम तो लो, 2-3 बार उसने बोला। अब वो बेचारा डर गया कि मैथमेटिशियन कि राजा साहब इनाम ना लेने पे क्या पता सर कलम कर दे, सनकी भी होते थे राजा, मतलब राजा लोग इस टाइप के भी होते थे ना, किसी भी बात पे मूड सनक गया उनका सर कलम कर दिया, ठीक है। तो जो मंत्री था, जो जो वो था मैथमेटिशियन, तो उसको जो राजा बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगा तो उसने बोला कि ठीक है भाई हम इनाम तो लेंगे, लेकिन हम इनाम चूंकि खेल का है तो खेल के नियम के हिसाब से लेंगे, जो हमारे खेल का नियम है उसके हिसाब से लेंगे। तो राजा ने बोला कि हाँ बताओ किस नियम से लोगे। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि जो हमारा शतरंज के खेल में जो 64 खाने होते हैं तो पहले खाने के करेस्पॉन्डिंग एक दाना रखवा दें अन्न का, फिर दूसरे में उसका डबल यानी 2 दाना, फिर उसके दूसरे में उसका डबल यानी 4 दाने, और ऐसे करके हर बार डबल करते 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 आप पूरे 64 खाने के करेस्पॉन्डिंग अन्न हमको दे दें और हम लेकर के चले जाएं, ठीक है। राजा बोला ठीक है। और राजा ने अपने मंत्री को या जो भी उसका कोषागार का अध्यक्ष अध्यक्ष रहा होगा उसको बोला कि भाई ले जाओ ये जो बोल रहा है इसकी डिमांड पूरी करके दे दो। तो अब उसने गिनना चालू किया, अब गिनते, अच्छा राजा को नहीं समझ में आया कि ये कितना बड़ा नंबर है या क्या मांग लिया इसने मुझसे, राजा को फील नहीं आई। हाँ तो हर बार डबल, एवरी टाइम डबल, 4 फिर 8 फिर 16 32, हर बार डबल करना है, ठीक है। तो उसने जो है जब करना चालू किया, राजा ने जब उसको अपने कोषागार के अध्यक्ष को बोला होगा कि भाई इसको दे दो डिमांड जो इसकी पूरी कर दो, गिनना चालू किया, तो उसमें कहानी में ऐसा लिखा था कि राजा का जो अन्न का भंडार था वो सारा का सारा खत्म हो गया था, लेकिन उसकी डिमांड आधी भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ये नंबर जो है ना ये 2 to the power 63 है, बहुत बड़ा नंबर है ये, 2 to the power 63, समझ रहे हो, फील कर सकते हो कितना बड़ा नंबर है। तो पूरा उनका भंडार खत्म हो गया। राजा जो है, फिर राजा के सामने प्रॉब्लम आई, फिर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार ये मतलब जो है हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा राजा लोग इगोइस्टिक भी बहुत होते थे, अहंकारी, सब सारे दुर्गुण होते थे उनके अंदर। जो पहला राजा बना रहा होगा वो अच्छा रहा होगा, उसने अपनी ताकत से बनाया होगा, लेकिन बाकी जैसे अब जैसे राहुल गांधी टाइप के बन गए, तो भाई अब राजा है तो उसका बेटा होगा, बेटा उतना काबिल तो नहीं होगा, उसका बेटा और भी हो सकता है हो जाए, उस टाइप से हो जाए। तो फिर राजा ने अपनी हार नहीं मानी। अच्छा उसमें कहानी में भी आता है कि जो राजा था, हर राजा में ऐसी कहानियां बनी है कि राजा का एक मंत्री होता था जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था, जैसे बीरबल हो गया, चाणक्य हो गया, इधर आपका तेनालीरामा हो गया, ऐसे करके राजाओं के मंत्री होते थे। तो राजा ने उस वाले मंत्री को बुलाया कि भाई आओ देखो ये प्रॉब्लम है। तो वो मंत्री आया तो उसको प्रॉब्लम सोची उसने, फिर काफी देर उसने विचार उचार किया, फिर उसने क्या किया कि खूब सारी बैलगाड़ियों में खूब सारा अन्न लदवा दिया, और फिर उससे बोला कि भाई मैथमेटिशियन को बुलाया, बोला कि ये भाई आप जो है आपने जितना बोला था उतना मैंने ये गाड़ियों में लदवा दिया है, अब ले जाके गिन लीजिए आप इसको, ठीक है, गिनने के बाद ये आप इसको ले जाइए। तो खैर वो ले गया। तो कहने का मतलब ये है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि नंबर जो होते हैं ना वो अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं। अभी जैसे तुम लोग अभी तो पढ़ रहे हो, मान लो IIT वगैरह में जाओगे या कहीं भी जाओगे, एक
ब्रांच पूरी आजकल डेवलप हो रही है, डेटा साइंस इसको हम लोग कहते हैं। ये डेटा साइंस आपका शेयर मार्केट में यूज होता है और आपका मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, मार्केटिंग में डेटा के एनालिसिस में, उसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। अगली जो ब्रांच है ना वो डेटा साइंस ही है, अगला जो नेक्स्ट कंप्यूटिंग के बाद आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये जो बड़े बड़े मतलब ये जो लोग होते हैं खास करके शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो इन नंबरों को की आवाज को पहचानने वाले लोग होते हैं। अगर इन नंबरों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब वही आर्ट है, मतलब उन लोगों के अंदर आर्ट है। अब तो काफी साइंटिफिक कर दिया इसको। पहले जो शेयर मार्केट वाले होते थे जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम करते थे वो लोगों को नंबरों को पढ़ना आता था, नंबरों की आवाज सुन लेते थे, अब इसको काफी साइंटिफिक कर रहे हैं। मेरा तो एक मतलब फ्रेंड भी है जो कि इसी पे काम करता है, वो डेटा साइंटिस्ट है और वो सिंगापुर में है, और सिंगापुर में का जो मतलब ऑफिशियल शेयर मार्केट है उस शेयर मार्केट में वो ऐसे एल्गो बनाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे कि शेयर मार्केट में प्रेडिक्ट होता है कि ये शेयर उठेगा ये चढ़ेगा, इसमें निवेश करना चाहिए इसमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि लार्ज नंबर, लार्ज हम मानेंगे ना तो फिर ये मान लेंगे कि इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट पे बार बार मैं जोर क्यों दे रहा हूं, जोर इसलिए दे रहा हूं कि अभी इसी के अंदर एक बात ये भी आने वाली है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो किसी डायरेक्शन को फेवर नहीं करते, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जितने मैं हमेशा ये मानूंगा कि जितने राइट जा रहे होंगे उतने ही लेफ्ट जा रहे होंगे, जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने ही नीचे जा रहे होंगे। सारे मॉलिक्यूल जो है चूंकि नंबर उनका दो चार तो है नहीं, इन्फाइनाइट नंबर होता है तो अनबायस्ड मोशन होता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मोशन बायस्ड नहीं होता है, रैंडम मोशन इसी को कहते हैं, बिल्कुल अनबायस्ड होता है कि हम ये मान लेंगे किसी मोमेंट में इधर ही ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 100 अगर इधर जा रहे हैं तो 100 इधर भी जा रहे होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो इसी वजह से आती है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल होते हैं जो हमारे सोचने समझने की ताकत से बियॉन्ड होते हैं। तो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका पता कैसे चला, एक तो साफ ये है कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस वजह से पता चला। दूसरा कि गैस को अगर कंप्रेस करना चाहे तो हम किसी भी बर्तन में उसको कंप्रेस कर देते हैं, कोई भी कंटेनर है उसके अंदर कंप्रेस कर देंगे तो स्मॉल होंगे तभी उसको कंप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद स्मूथ होते हैं, स्मूथ का मतलब ये हुआ कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो टक्कर के दौरान जो फोर्सेस लगेंगे ना वो फोर्सेस जो होंगे वो नॉर्मल फोर्सेस ही एक्ट करेंगे, फ्रिक्शन वाले फोर्स इधर इधर फ्रिक्शन जैसा फोर्स नहीं एक्ट करेगा। स्मूथ का मतलब यही है कि कोलिजन के दौरान कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, टेंजेंशियल कोई फोर्स कोलिजन के दौरान एक्ट नहीं करता है, सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही एक्ट करते हैं। ठीक है, स्मूथ का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जैसा या कोई टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं करता है। उसके बाद इलास्टिक होते हैं, ये कैसे पता चला, ये बताओ कैसे बोल सकते हो कि इलास्टिक, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। गैस के इस कमरे में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, आपस में टकरा रहे हैं, सदियों से टकरा रहे हैं, अगर टकराने में एनर्जी का लॉस करते तो एनर्जी का लॉस करते 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 सब जमीन पे गिर जाते हैं। मतलब जितना हम लोगों को सांस लेने के लिए ऐसे नीचे ऐसे ऐसे करते ये करना पड़ता ना, अगर एनर्जी का लॉस होता तो, जबकि पूरे कमरे में हम आराम से सांस लेते हैं, यहां भी सांस लेते हैं, छत पे जाके भी सांस लेंगे, पैराशूट में उड़ने जाएंगे, ग्लाइडिंग करने वहां भी सांस लेंगे, सब जगह सांस लेंगे। तो ये इलास्टिक अगर कोलिशन नहीं होता तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल जो है वो टकरा के गिर जाते हैं। यानी का मतलब ये है आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे भाई पाकिस्तान में होंगे भाई अमेरिका में होंगे, सब जगह एक जैसे ही होते हैं मॉलिक्यूल, ऐसा तो नहीं कि कोई गैस अलग लेता है कोई गैस अलग लेता है। स्फेरिकल होते हैं भाई, नेचर में जो एटम होता है उसका नेचर स्फेरिकल होता ही होता है। स्फेरिकल को भी एक्सप्लेन किया जाता है ऐसे कि जैसे मान लो स्फेरिकल नहीं होते, ट्रायंगुलर टाइप के होते हैं, ऐसे बिंगो वाला जो नहीं मैड एंगल करके देखा होगा, अगर मान लो ऐसे होते, ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है तिकोना, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, अब ये लगातार कोलाइड करते रहते हैं तो ये तो इससे जाके टक्कर मारता और ये तिकोना तो घाव कर देता, इसको तोड़ देता, यही होता ना। तो तोड़ तोड़ के स्फेरिकल ही बना देते सब, अल्टीमेटली तो स्फेरिकल ही होना है। हजारों लाखों सालों से ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो ये सब एक दूसरे से टकरा के स्फेरिकल हो जाएगा। वैसे भी नेचर का जो फेवरेट शेप है, सबसे ज्यादा नेचर को जो पसंद है वो स्फेरिकल शेप है,
सब ज्यादा नेचर को स्फेरिकल शेप पसंद है। आप देखेंगे कि जो उसने अब खुद से क्रिएट किया होगा, खुद से मतलब जो सबसे छोटा या सबसे बड़ा जो उसने बनाया है वो स्फेरिकल ही शेप है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, रैंडमली हर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं उनमें ये रैंडमली मूव करते हैं, इधर से उधर उधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये केटीज का जो पहला एजम्पशन है, इस एजम्पशन की मदद से गैस को दिखाने की कोशिश करी गई है, गैस को दिखाया जाता है कि भाई गैस कैसी होती है, तो इसको दिखाने की कोशिश करी गई। एजम्पशन आपने नोट कर लिया। रैंडम मोशन का मतलब, रैंडम मोशन को जैसे आप, हाँ मतलब रैंडम का मतलब इधर से कोई उसमें नियम नहीं है, किस नियम के हिसाब से चलना है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन को अगर आप फील करना चाहो तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे मान लो कि मैं कमरे के बाहर चला जाऊं और जाके बाहर से दरवाजा बंद कर दूं और दो तीन जहरीले सांप खिड़की से छोड़ दूं, ठीक है, बिल्कुल एकदम आगे से करके, और उसके बाद आप लोगों का जो मोशन होगा वो रैंडम होगा। ठीक है, आपका मतलब जितने भी क्लास के अंदर लोग हैं वो रैंडमली मूव करेंगे, कोई इधर से उधर भागेगा, कोई छत पे लटकेगा, ठीक है, कोई जिसके सांप बगल में आ जाएगा ऐसे ऐसे करेगा, कोई भगवान का नाम लेगा, कोई ऐसे शंकर शिव जी, कुछ रैंडम होगा, उसमें किसी को कोई पता नहीं कि उस दौरान क्या होगा। ठीक है, कोई बेंच उठा के भागेगा, कोई सांप को मारने की कोशिश करेगा, कोई आवाज निकालेगा, कुछ कुछ करेगा रैंडम, जिसका कोई कोई बता सकता है कि आप क्या करोगे उस समय, क्या करोगे कोई नहीं बता सकता। तो रैंडम वही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मतलब अपने पास कारण नहीं है, बस वो हो रहा है उस समय, वैसा होना था इसलिए हो रहा है। तो ये रैंडमली सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं और इन्हें हम इन्हीं को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके अलावा केटीजी के और भी कई सारे एजम्पशंस हैं, जैसे दूसरा जो एजम्पशन है किसी किताब में पहला ही रहता है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो न्यूटन के लॉस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जो डेरिवेशन वगैरह अभी करेंगे वो न्यूटन के लॉ के हिसाब से होगा। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस फॉलो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस फॉलो द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। जय श्री कृष्णा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केटीजी जो है उसके एजम्पशंस देखे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या क्या एजम्पशंस होते हैं ये मैंने आपको बताए थे। कुछ एजम्पशन मैंने बता दिए थे, जैसे एक तो बता दिया था कि गैस जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्मूथ होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इधर से उधर, और फिर मैंने ये भी बता दिया था कि चूंकि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से ये मॉलिक्यूल्स चलते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे ये कमरा जो है, मान लो इस कमरे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर से उधर घूम रहे हैं, तो या इस कमरे में जो भी प्रेशर होगा वो गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन के कारण होगा। किससे कोलिजन होगा? वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस का प्रेशर होता है वो इस वजह से होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस की दीवारों से, सॉरी बर्तन की दीवारों से जाके टकराते हैं। तो इसके अंदर जो तीसरा आपका एजम्पशन आएगा केटीजी का, थर्ड एजम्पशन में लिख रहा हूं, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स का जो बर्तन के दीवारों के साथ कोलिजन होता है उसी की वजह से प्रेशर होता है। एक और इसके अंदर पॉइंट आता है कि जो प्रेशर होता है उसका ग्रेविटी का उस पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, कोई खास असर नहीं होता है। तो इसके अंदर अगला जो पॉइंट आ रहा है, ग्रेविटी हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ग्रेविटी हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस।
अब इसमें ये जो वर्ड मैंने सिग्निफिकेंट बोला है, इसको भी समझना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेविटी का बिल्कुल ही असर नहीं होता है, लेकिन रियल लाइफ में जो हम कंटेनर लेते हैं वो जैसे कोई भी कंटेनर, मान लो बहुत बड़ा कंटेनर लिया तो इस कमरे के, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत बड़ा कंटेनर होगा तो इस कमरे के बराबर होगा, या हो सकता है कमरे से बड़ा हो जाए, बड़े हॉल के बराबर हो जाए कंटेनर, 10-20-50 मीटर जो है इससे बड़ा कंटेनर नहीं होता है। तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं उसमें ग्रेविटी का कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो हम एक कंटेनर ऐसा ले लें इस टाइप का जिसकी ऊंचाई 500 मीटर है, 500 किलोमीटर है, हाँ, एक ऐसा बर्तन लिया जाए 500 किलोमीटर ऊंचा, तो इसमें फिर ग्रेविटी जो है उसका असर आएगा, यहाँ पे प्रेशर अलग आएगा। यहाँ पे ऐसा कंटेनर है हमारे पास, एक कौन सा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ऊंचाई होती है ना 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक जाता है, तो वो एक उसमें तो प्रेशर जो है ग्रेविटी के कारण ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो की वजह तो ग्रेविटी ही होती है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, तो उसकी वजह तो ग्रेविटी ही होती है। लेकिन आमतौर पर डे टू डे की जीवन में जहां पर मतलब हम लोग किसी कंटेनर में गैस रखते हैं उसमें ग्रेविटी का कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन ये है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो जब भी ये टकराते हैं तो जो टकराने का समय होता है और सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, सक्सेसिव कोलिजन जो है उसके बीच का जो टाइम, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टक्कर मारी, उसने यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम लिया T1, और जब टकराया तो टकराने के दौरान जो समय लगा वो T2 लगा, तो T1 जो होगा वो मच मच ग्रेटर देन T2 होगा। वैसे भी कोलिजन का टाइम बहुत कम होता है, तो जैसे मॉलिक्यूल रैंडमली इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल जब इसको जाके टक्कर मारेगा तो यहां से यहां तक जाने का जो समय होगा वो कोलिजन का जो टाइम होगा उसके कंपेरिजन में बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और आता है, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम बिटवीन कोलिजन्स। कोलिजन का टाइम जो होता है बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू टाइम बिटवीन कोलिजन। हम लोग जानते भी हैं कि कोलिजन हम उसी इवेंट को बोलते हैं जिसका टाइम बहुत स्मॉल होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो टाइम होता है, जैसे मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से रैंडमली मूव करके टकरा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टक्कर मारेगा, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज में टाइम T1 लगता है और कोलिजन में टाइम T2 लगता है, तो कोलिजन का टाइम बहुत ही स्मॉल होता है। कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं यहां पर, उनको हम डिफाइन भी करेंगे, KTG का पार्ट नहीं है, वो थ्योरी का पार्ट नहीं, लेकिन ये लगे हाथ उनको डिफाइन कर लेते हैं। एक आता है यहां पे रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से दिखाते हैं हम लोग, और रिलैक्सेशन टाइम जो है उसका मतलब ये होता है कि जो कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं ना इधर से उधर, यहां से वहां, जहां से तहां जा रहे हैं, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच ऑन एन एवरेज जो टाइम लगता है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल जाया टकराया, एक माइक्रोसेकंड का टाइम लगा, फिर अगली बार 3 माइक्रोसेकंड लगा, फिर 2.5 माइक्रोसेकंड लगा, फिर 5 लगा, फिर 0.5 लगा, ऐसे करके जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो एवरेज टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि जैसे लगातार मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो दो जो टक्करें होती हैं उनके बीच ऑन एन एवरेज जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, उन्हीं उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is relaxation time. The average time between two successive collisions is relaxation time. दो जो सक्सेसिव कोलिजन है उनके बीच ऑन एन एवरेज जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो टर्म है ये जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी आता है। इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, तो उसमें भी ये टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या असर पड़ेगा?
अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू वही रह जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी कि मॉलिक्यूल फास्ट चलने लगेंगे, फास्ट चलेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, जल्दी टक्कर मारेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। इसी में एक टर्म और आता है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इसको दिखाते हैं हम लोग लैम्डा से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नाम से ही क्लियर है। मीन फ्री पाथ माने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो दो, जैसे मॉलिक्यूल अगर टकरा रहे हैं तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज मीन फ्री पाथ। टेम्परेचर बढ़ाने से मीन फ्री पाथ पे क्या असर पड़ेगा? अगर बर्तन वही है, सब कुछ सेम है, सेम रहेगा ना, वो क्यों कम होगा भाई? दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जो है वो तो वही रहेगी ना, मतलब स्पेसिंग वही रहेगी। हाँ, बर्तन बदल दें या बर्तन एक्सपेंड कर जाए या कोई और बात हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो मीन फ्री पाथ है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें। अब उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन आता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल, ये रैंडमली मूव करते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन को फेवर नहीं करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेवर नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर किसी भी डायरेक्शन को फेवर करने लगे, जैसे मान लो इसी कमरे के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन को फेवर करने लगे, इधर ज्यादा जाने लगे, तो अगर इधर ज्यादा जाने लगे तो क्या होगा, इस दीवार पर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, तो इस दीवार पे प्रेशर बढ़ जाएगा, जबकि मेजर करके देखा गया है कि अगर कोई कंटेनर एक्सेलेट नहीं कर रहा है, एक्सेलेट कर रहा है तब तो स्यूडो कारण एक तरफ प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक्सेलेटिंग कंटेनर नहीं है तो उस कंटेनर में हर जगह प्रेशर सेम होता है। अब हर जगह प्रेशर सेम होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन को फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अगला अजम्पशन हो गया। कितने पॉइंट बता दिए थे, चार या पांच पॉइंट, कितने बता दिए, पांच हो गए थे ना। ये छठा पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स of the gas do not favor any particular direction, favor की spelling favour होती है ना, favour होती है ना। ठीक है, any particular direction, स्पेलिंग का ये कि एक झटके में लिख दो तब तो सही हो जाती, सोच के लिखोगे तो गलत हो जाती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं करते अगर कंटेनर अनएक्सेलेटेड है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। एक्सेलेट करा दोगे तो, जैसे मान लो बर्तन को अगर एक्सेलेट करा दिए तो पीछे वाली दीवार पे थोड़ा सा फेवर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी तरफ से मतलब नॉर्मल कंडीशन है तो किसी भी डायरेक्शन को फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, अब किसी भी डायरेक्शन को फेवर नहीं करते, इससे बहुत सारी बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात तो निकल के आती है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। इस कमरे में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इनफिनाइट है। किसी भी डायरेक्शन को फेवर नहीं कर रहे हैं तो जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही नीचे भी जा रहे हैं, जितना आगे जा रहे हैं मतलब फेवर नहीं है, और नंबर इनफिनाइट है। तो नंबर इनफिनाइट है तो रैंडम का जो लॉ ऑफ रैंडमनेस है उसके हिसाब से फेवर नहीं है, और इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हर डायरेक्शन में इक्वली जा रहे होंगे, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या एवरेज स्पीड भी जीरो होगी? एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, वो तो स्केलर होती है ना, सबका जोड़ जो है वो रहेगा। एवरेज मोमेंटम ये क्या होगा? एवरेज मोमेंटम जीरो हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये जीरो नहीं होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो भाई काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, सब पॉजिटिव आती है हमेशा, तो सारे पॉजिटिव का जोड़ जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये खास बात हो गई। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ वी वाई स्क्वायर विल बी एवरेज ऑफ वी जेड स्क्वायर। मैं हर डायरेक्शन में फेवर कर नहीं कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर करने से क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा सारा, स्क्वायर करने से फिर जीरो नहीं रहेगा, तो एक्स डायरेक्शन में सारी वेलोसिटी के स्क्वायर का जो एवरेज होगा वही वाई में होगा वही जेड में होगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन को फेवर नहीं कर रहे, तो हर डायरेक्शन में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो सेम आ जाएगी। अब ये चैप्टर के अंदर एक हम लोग जैसे अगर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करें हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आ गई। अब जैसे हम एक कोई ऐसी वेलोसिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं जो जो मॉलिक्यूल के मोशन को रिप्रेजेंट करे, तो एक अजीब टाइप का एवरेज हम यहां पे डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये हम लोग देखने जा रहे हैं ये क्या होती है। तो ये जो वी आर एम एस है, ये वी आर एम एस क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, पढ़ते इसको है स्क्वायर मीन रूट। अगर किसी भी कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल की वेलोसिटीज का हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। तो वी आर एम एस जो आता है, वी आर एम एस अगर हमें निकालना है तो वी आर एम एस जो आएगा ये बराबर होता है, पहले तो स्क्वायर करेंगे वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर, फिर मीन लेंगे यानी नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे, फिर रूट लेंगे। ये अजीब टाइप का एवरेज क्यों डिफाइन किया गया है, ये अजीब टाइप का एवरेज इसलिए डिफाइन किया गया है कि अगर मैं सीधे सीधे वेलोसिटी का एवरेज लेता तो वो जीरो आ जाता, भाई सब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो जीरो आ जाता तो फिर ये जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इस टाइप का एक एवरेज डिफाइन करते हैं वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और फिर उसके बाद रूट ले लेते हैं। तो ये अजीब टाइप का आरएमएस, इसको हम लोग आरएमएस स्पीड कहते हैं, और बार बार हम लोग इसके बारे में इस चैप्टर में बात भी करेंगे। अब ये आरएमएस स्पीड के कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले मैं आपको डिराइव करने जा रहा हूं। पहले मैं कुछ टर्म्स यहां पर आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर हम एक टर्म लिखेंगे कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल, और यहां पर हम एक स्मॉल एम बोलेंगे मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल स्मॉल एम हो गया, और इसके अंदर एन ए सब लोग जानते हो गए एवोगाड्रो नंबर है, कैपिटल एम जो है ये है मोलर मास, आर सब लोग जानते होंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और आर जो होता है वो किसके बराबर होता है 8.314 या 25/3 एमके सिस्टम में 8.314 या 25/3 होता है। यहां पर एक टर्म और आता है के, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां पर आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की जो वैल्यू आती है ये आती है आर अपॉन एन ए, के की जो वैल्यू आएगी वो R अपॉन एन ए आती है, ये मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, स्मॉल m और कैपिटल m में क्या रिलेशन होगा, स्मॉल m यानी मास ऑफ ए मॉलिक्यूल और कैपिटल m मोलर मास, इनमें क्या रिलेशन होगा, m बराबर m इनटू n, बिल्कुल, जो टोटल मास होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका बार बार जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये टर्म यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है।